दोस्तों वॉक्सी टॉक्सी अनबॉक्सिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करेंगे बोया का BYM1 माइक। ये अमेजन से ऑर्डर किया था हम लोगों ने, और आइए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब तक हम लोग इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन ये है कि हमें एक एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल माइक क्यों चाहिए, जबकि फ़ोन में और या आप अगर कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक माइक होता है। तो ऐसे तो ऐसे कुछ माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं या हमारी तरह एक इंफॉर्मेटिव चैनल हैं तो आपको माइक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फ़ोन का या कैमरे का माइक उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड करता है। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन होने के बाद, इसमें ये सब चीज़ें हैं। तो ये बिल है, ये है बोया का BYM1 माइक। तो अब ये ही माइक क्यों लिया, और बाकी बहुत सारे माइक हैं। तो टेक्निकल गुरुजी जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं, तो उन्होंने भी एक अपने वीडियो में इस माइक को दिखाया है, और बाकी जगह भी अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये माइक काफ़ी अच्छा माना जाता है और बजट में भी है। तो ये माइक हमें मिला है 827 का, आप 827 का है, आप देख सकते हैं अमेजन से। तो 827 में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो केबल है वो 20 फीट तक बड़ा है। तो आइए इसको हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये बॉक्स खाली हो गया है, ये बिल है। अब इसके साथ हमको मिलता है ये एक वारंटी कार्ड। खैर अब वारंटी कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बिल से ही वारंटी होती है। ये एक यूज़र मैनुअल है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये एक पाउच है, ये एक बहुत ही अच्छा सा पाउच है जिसपे ये बोया भी लिखा हुआ है, और काफ़ी ठीक फील है, अच्छा फील है। ये PU का है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल मॉइस्चर से बचाने के लिए होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो ये जो जेल होते हैं आप इनको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रख सकते हैं और कपड़ों वगैरह में भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कोई बच्चे इसको ना खा पाएँ। तो बस आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स से मॉइस्चर बचाता है। ये है माइक, तो ये है इसका माइक। अब इसमें ये जो केबल है ये 20 फीट का केबल है, तो यही इसकी खासियत है। तो काफ़ी दूर से भी रिकॉर्डिंग करी जा सकती है। ये बोया लिखा हुआ है, तो पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ, बट हम इसको ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे। ये वेलक्रो से इसको बांधा गया है, तो जैसे कि मतलब आप इसको ये तो एक टेम्परेरी तार होता है जिसको बाद में खोल भी दिया जाता है या इसको फेंक भी सकते हैं, बट वेलक्रो वाली से ये रहता है कि आप इसको बांध सकते हैं। तो बोया वाले भी जानते हैं कि अगर हमने इतनी बड़ी केबल दी है और अगर किसी को छोटा केबल यूज़ करना है तो उसके लिए ये वेलक्रो यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपका कनेक्टर है, ये फ़ोन पे या इसके साथ ही अभी एक एक्सटर्नल कनेक्टर दिया हुआ है जो स्पीकर में भी कनेक्ट होगा, तो ये भी हम एक्सटर्नल उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं माइक को। आइए पहले इसको देखते हैं, ये माइक है जिसमें यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये एक सॉफ्ट बड्स हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और जैसे एयर वगैरह आती है तो उसके लिए। ये बैटरी है इसकी, तो बैटरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन मान के चलिए 10 या 11 महीने तक करीब चलती है।
अगर आप रेगुलर शूट करते हैं, ये इसकी एक क्लिप है जिसके ज़रिए आप इसको अपने कॉलर में या किसी भी कपड़े में फंसा सकते हैं। तो हम इसको अभी आपको कुछ देर में यूज़ करके दिखाएंगे। काफ़ी स्टर्डी क्लिप है, काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लिप है ये। और ये रहा वो एक्सटर्नल, जैसे अगर आपको कोई बड़े माइक से कनेक्ट करना है, बड़े प्लग से कनेक्ट करना है, तो ये ऐसे करके इसमें लग जाएगा और ये पूरा उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा कैमरा है या फिर कोई एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं, एक्सटर्नल सिस्टम है, तो उसे कनेक्ट करने के लिए है। तो इसको हम लोग अब असेंबल करते हैं। ये माइक है, तो इसके माइक के ऊपर हम ये ऐसे करके बड्स लगा देंगे। ये इसके अंदर बैटरी जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी के लिए इसमें दिया हुआ है पॉइंट। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं बैटरी के लिए इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। तो जब आप इसमें बैटरी लगाएंगे तो ये फिर ये माइक काम करेगा। ये जो बैटरी है ये आप देख सकते हैं LR44 सेल है, और इसमें इधर लिखा है 6H% O, जिसका मतलब क्या होता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। चलिए हम लोग इसको ढूंढ के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें लगाते हैं। तो ये बैटरी लग गई है और ये माइक चालू हो चुका है। तो अब ये माइक यहाँ से अभी ऑफ है या स्मार्टफोन मोड में है, और ये कैमरा मोड में है। इसमें दो मोड दिए गए हैं, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं, एक है कैमरा मोड और एक है स्मार्टफोन या ऑफ मोड। तो अभी ये ऑफ मोड या स्मार्टफोन मोड में है। तो अब हम कुछ देर में इसका डेमो करेंगे और डेमो के बाद देखेंगे कि इस माइक से रिकॉर्ड करने में, फ़ोन, ये वीडियो फ़ोन से शूट किया जा रहा है, तो फ़ोन के माइक में और एक जो नॉर्मल फ़ोन के साथ माइक मिलते हैं, हेडफोन्स मिलते हैं उसमें, और इस फ़ोन में क्या डिफरेंस है।